अगली खबर है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर। पूर्व मंत्री एवं आयोग अध्यक्ष बालाघाट विधायक गौरी शंकर बिशेन ने पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को खुली चुनौती दी है। गुरुवार को मलाजखंड के मोह गांव में नगर पालिका परिषद चुनाव के प्रत्याशियों के लिए आयोजित जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं आयोग अध्यक्ष ने कहा, वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। माँ का दूध पिया है तो वह बालाघाट विधानसभा क्रमांक 111 में विधानसभा चुनाव लड़कर दिखाएं। वह एक कार्यकर्ता को खड़ा करेंगे जिससे कमलनाथ जीत कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ विकास की बात करते हैं, विकास के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घर भरने का काम किया है। वे यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने कहा कि यदि पार्टी ने उन्हें लोकसभा में प्रत्याशी बनाए तो छिंदवाड़ा में सांसद नकुलनाथ और कमलनाथ को हरा कर ही वह चैन से बैठेंगे। भले ही पूर्व मंत्री एवं आयोग अध्यक्ष बालाघाट विधायक बालाघाट विधानसभा से चुनाव न लड़ने की मंशा को कई बार जाहिर कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जन आशीर्वाद सभा में पार्टी पर लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाने का फैसला छोड़ा है, उससे लगता है कि अब गौरी शंकर बिसेन की महत्वाकांक्षा विधानसभा नहीं बल्कि एक बार फिर सांसद बनकर लोकसभा में जाने की है। गुरुवार को मलाजखंड में चुनावी सभा में पहुंचे गौरी शंकर बिसेन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुपस्थिति में कमलनाथ को ये बात कही है। इससे जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होते हुए एक बार फिर जिले की सियासत गर्मा गई है। सियासत गर्माने की बड़ी वजह यह है कि इससे पहले तक लगभग हर कार्यक्रम में गौरी शंकर बिसेन स्वयं और उनके परिवार के किसी भी सदस्य के चुनाव नहीं लड़ने की बात कहते आए हैं। उनके इस तरह बयान से यह जाहिर हो रहा है कि स्वयं तो लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। वायरल वीडियो में मलाजखंड की चुनावी सभा का है। 22 सितंबर को हुई इस सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आना था लेकिन खराब मौसम के कारण नहीं पहुंच सके थे। क्या करें, कांग्रेस का सिम्बल मिल गया, वो तो डूबेगा कमलनाथ और पूरे 24 को डुबाएगा और पूरे पहियर में पूरे 13-14 को डुबाएगा। कमल खिलेगा, सूरज उगेगा, विकास होगा। अटल जी ने कहा है, छोटे मन से व्यक्ति बड़ा नहीं होगा और टूटे मन से व्यक्ति बड़ा नहीं होगा। जिन किसी कार्यकर्ता को हम उम्मीदवार नहीं बना सके, बड़ा दिल करिए। गौरी शंकर के तरफ देखिए, टिकट नहीं मिलती 99 में लोकसभा की, प्रजाजी को जिता के बेचते हैं। मंत्रिमंडल में शपथ होती गौरी शंकर को, रामकिशोर को मंत्री मानते हैं। आपकी बात अटल जी के तेरा नाम, अटल जी के तेरा साल, तो फिर गौरी शंकर कैसे रहेगा 14 साल? 13 चुनाव लड़ा है, बालाघाट से नहीं लड़ेगा चुनाव और मेरी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव का आनंद करूंगा और कमलनाथ मेरे लड़के को तेरे को हरा करके चैन से रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कमल खिलाइए, भाजपा को जिताइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।